जयपुर में आईपीएल की शुरुआत के साथ में सट्टा कारोबार भी धड़ल्ले से जारी है। इसी के तहत एक बार फिर जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और चित्रकूट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को दबोचा है। पुलिस ने मौके से करीब 14 मोबाइल सट्टा उपकरण, एलईडी और पर्चियां बरामद की हैं। पुलिस को करोड़ों रुपए के सट्टे का हिसाब में मिला है। अभी आईपीएल मैच चल रहे हैं तो कई जगह से सूचनाएं आ रही थी कि भी इसमें सट्टा लगने की इसकी संभावना है, तो हमारे उच्चाधिकारियों ने हमारी सीआईओ टीम जो थी उसके साथ मिलके उनको हमें खबर लगी कि भाई हमारे एरिया के अंदर कोई सट्टा आईपीएल का चल रहा है। तो खबर पुख्ता होने के बाद हमने नियमानुसार उस पर रेड की तो वहाँ पर हमें 6 बुकीज़ मिले हैं जो अपने मोबाइल फ़ोनों से इंटरनेट के माध्यम से एलईडी के ऊपर अपने जो मैच को देखते हुए और वो बुक कर रहे थे। तो उसके अंदर हमको 13 तो लगभग 13 मोबाइल मिले हैं और एक एलईडी मिला है, कैलकुलेटर मिला है और लाखों रुपए का जो हिसाब किताब उन्होंने जो पैसा बुक किया है आगे देना खाईवाल लगाईवाल के हिसाब से उसके कागजात मिले हैं। चित्रकूट थाना पुलिस और जयपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर थाना इलाके के अंदर, चित्रकूट थाना इलाके के अंदर एक सट्टे के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया है। यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 6 जो आरोपी है उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया है। ये सभी जो आरोपी है ये अर्पित नगर के अंदर यहाँ पर ये सट्टे का जो कारोबार चला रहे थे और ऐसे में जब यहाँ पर मुखबिर से जब यहाँ पर सूचना मिली थी पुलिस को तो उन्होंने यहाँ पर दबिश देते हुए जो अर्पित नगर के अंदर एक फ्लैट है वहाँ पर उस दबिश दी तो यहाँ पर 6 जो लोग थे वो यहाँ पर सट्टे का कारोबार यहाँ पर चलाते नजर आए। उसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए यहां पर मौके से करीब 13 जो मोबाइल है वो बरामद किए हैं। इसके अलावा एलईडी टीवी और इसके अलावा सट्टे के जो उपकरण थे जिनसे सट्टा चलाया जा रहा था उन सभी उपकरणों को यहां पर जब्त किया है। उसने मौके से यहां पर एक रजिस्टर भी बरामद किया है, साथ में कुछ लैपटॉप भी बरामद किए हैं जिसमें करोड़ों रुपए का जो हिसाब किताब है वो यहां पर बरामद हुआ है। फिलहाल आप जो देख सकते हैं जो जिन तमाम जो आरोपी है उनको यहां पर पुलिस है कोर्ट में ले जा रही है, उनको पेश कर रही है। फिलहाल प्रारंभिक जो जाँच उसमें सामने आया है कि तमाम जो आरोपी थे इनका जो कारोबार था वो जयपुर शहर से बाहर भी चल रहा था। फिलहाल जो पुलिस की जो टीम है वो इन सबसे पूछताछ करके पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। कैमरा पर्सन रजीत शर्मा के साथ यादवेंद्र शर्मा, एवन टीवी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।